Hey guys, welcome back to my channel. This is your boy Aman Prajapati. So guys, हमको टाइटल एंड थंबनेल देख के पता चल गया कि आज हम आपको क्या दिखाने वाले हैं। आज हम आपको दिखाने वाले हैं रिक्रिएटिंग टीवी सेलिब्रिटीज फोटोज पार्ट वन। भैया ने बोला कि सबसे पहला टर्न है मेरा, तो मैं आज रिक्रिएट करूंगी माय मोस्ट फेवरेट टीवी एक्ट्रेस नायरा उर्फ शिवांगी जोशी। दिल से बंधी एक डोर जो दिल तक जाती है। ये नहीं, ये यहाँ पे ये। जैसे कि आपको पिक में दिख ही रहा होगा कि शिवांगी जोशी मैम ने पहना है एक गाजरी कलर का ब्यूटीफुल सा लहंगा। सो वैसा लहंगा मम्मी ने हमें खरीद कर दे दिया है, तो ये रहा वो लहंगा। अब ये शिवांगी जोशी मैम ने पहना है लहंगे से ही मैचिंग ब्लाउज, तो ये रहा वो ब्लाउज। और उन्होंने लिया है एक नेट का दुपट्टा, तो मेरे पास भी वो दुपट्टा सेम है। सो ये रहा वो दुपट्टा जिसमें थोड़ा सा बॉर्डर है और ये बीच बीच में थोड़ा सा डिजाइन किया है। और गाइस उन्होंने पहना है ये दो इयररिंग्स, मांग टीका और ये हाथ में का। बहुत ही सिंपल सा रिक्रिएशन है, होप आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सो गाइस मैंने मेकअप कर लिया है, अब मैं हेयर स्टाइल बना रही हूँ, फिर मैं कपड़े पहनूंगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब भैया के हेल्प से मैं नीचे जाऊंगी पार्किंग में और थोड़े बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स क्लिक करवाऊंगी, क्योंकि उधर ही थोड़ा सा सिमिलर बैकग्राउंड है। चुनरी पैलरी में पहना हुआ है ये बैंगल्स रिंग्स एंड ये इयररिंग्स। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ। सो गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि क्या मैं नेहा कक्कर मैम जैसी लग रही हूँ। और हाँ गाइस अब मैं जा रही हूँ फोटोज क्लिक करवाने और फिर मैं आपको बताती हूँ। गाइस पायल को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कैसे पोज दे, सो मैं बता देता हूँ। एक के ऊपर एक हाथ रखना है और बॉडी मेरे तरफ और फेस खुशबू के तरफ। हाँ, और बड़ी सी स्माइल, दांत दिखने चाहिए बस। बहुत ही प्यारी सी पिक्चर क्लिक करवा दी है जो मैं आपको दिखाती हूँ। सो 3, 2, 1। So guys, now it's my turn. आपने पायल और खुशबू का लुक रिक्रिएशन तो देख ही लिया होगा और आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होगा। हर बार आपको मेरा पिक रिक्रिएशन अच्छा लगता है, फिर भी आप लोग मुझे हरा देते हो। ऐसा नहीं चलेगा, इस बार तो आपको मुझे जिताना ही पड़ेगा। जिताओ, मुझे जिताओ। प्लीज कमेंट करो कि अमन भैया इज अ विनर। प्लीज प्लीज, अभी आपने नहीं देखा मेरा लुक रिक्रिएशन, फिर भी लिख दो अमन भैया इज अ विनर ऑफ दिस चैलेंज। ठीक है, लिख दिया आपने। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस मैं जो पिक रिक्रिएट करने वाला हूँ वो है फ्रॉम द सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है, के कार्तिक गोयनका का। सो गाइस ये जो सीरियल है तब से आ रहा है, जब मैं सेकंड थर्ड में था तब से चले ही आ रहा है। पता नहीं कब तक चलेगा, भगवान करे जब तक मैं बुढ़ा ना हो जाऊं तब तक चलता ही रहे। सो गाइस मैं यहाँ पे पिक्चर जो है लगा देता हूँ जिससे आपको आइडिया आ जाए मैं कौन सा पिक रिक्रिएट करने वाला हूँ। सो गाइस जैसे कि आपको पिक में
देख रहा होगा कार्तिक सर ने पहनी है एक ब्लू कलर की, नेवी ब्लू कलर की मीन शेरवानी। सो गाइस सेम टू सेम शेरवानी है ना, कोई भी दुकान पे नहीं मिल रही थी। सो है ना हम लोग बहुत ही भटके, लाल दरवाजा भटके, लो गार्डन भटके, फिर भी हमें मिली ही नहीं कहीं भी शेरवानी। फिर एक दुकान पे हमें सेम टू सेम शेरवानी जो है वो मिल गई, और वो देखकर मुझे इतनी खुशी हुई जो मैं आपको अभी बता नहीं सकता। सो मैं आपको बता देता हूँ वो शेरवानी कौन सी है। सो ये रही वो शेरवानी जो सेम टू सेम कार्तिक सर जैसी है, कमेंट करके बताओ है ना। और गाइस आपको दिख ही रहा होगा कार्तिक सर ने पहना है व्हाइट कलर का धोती पैंट। सो सेम टू सेम मेरे पास धोती पैंट ऑलरेडी घर पे था, तो वही मैं यूज करने वाला हूँ। और उन्होंने पहना है शूज, सो शूज भी मेरे पास है। सो वो तीनों चीज मुझे अब मिल चुकी है। गाइस अब मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये लुक रिक्रिएट करने के लिए, क्योंकि ये मैं सीरियल बहुत ही समय से देखते आ रहा हूँ और मुझे कारा की जोड़ी बहुत ही पसंद आती है इसलिए। सो मैं फटाफट से जाता हूँ और कपड़े चेंज करके मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में, ठीक है। आई एम रेडी, 3, 2, 1 टर्न। सो गाइस आपको है ना अमन भैया यहाँ से आगे से बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, आपको अमन भैया की शेरवानी बहुत ही अच्छी लग रही होगी, लेकिन गाइस ऐसा नहीं है। मैं रियलिटी बताता हूँ, देख लो मैंने सेफ्टी पिन से एडजस्ट किया है अपनी शेरवानी को अपने साइज का बनाने के लिए, क्योंकि ये जो साइज है वो मेरे पापा का है और मैंने पापा को ये शेरवानी गिफ्ट दी है, क्योंकि मैं एक ही बार पहनने वाला था रिक्रिएशन के लिए और उसके बाद तो ऐसे के ऐसे ही पड़ी रहती, इसलिए मैंने पापा को ये गिफ्ट कर दी कि आप ही पहन के जहाँ भी जाना वहाँ पे घूमना। शेरवानी तो मैंने अपने साइज की बना ली है, लेकिन ये जो धोती और शूज थे वो तो मेरे साइज के ही थे। सो अब मैं फटाफट जाता हूँ और कार्तिक गोयनका सर जैसा फोटो खुशबू की मदद से खिंचवा लेता हूँ। गाइस माय फाइनल पिक्चर इज 3, 2, 1 शिवांगी जोशी वाला लुक ना बहुत ही पसंद आया, मुझे पता है क्योंकि मैं आप लोग की फेवरेट हूँ। मैं जो लुक रिक्रिएट करने वाली हूँ उनका रियल नेम है हीना खान। रुको, मैं अभी आपको ड्रेसेस नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैंने आपको बताया ही नहीं कि मैं कौन सा पिक रिक्रिएट करने वाली हूँ। सो ये है वो पिक। सो मैं जैसे कि आपको पिक में दिख ही रहा होगा कि हीना खान मैम ने पहना एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा साड़ी जो कि है रेड और ऑरेंज शेड में, तो मेरे पास भी वैसा साड़ी है। और उन्होंने पहना एक बहुत ही हैवी सा ब्लाउज जो कि मेरे पास है, और उन्होंने पहनी है बहुत सारी ज्वेलरीज लाइक बैंगल्स, इयररिंग्स और ये प्यारा सा नेकलेस। देख ही सकते हो खुशबू ने अपनी आंखों से बड़ी अपनी पलके बना ली है, एकदम भूत लग रही है। चुड़ैल मम्मी डर लग रहा है मुझे डर। कौन है ये जिसने मुझे मुड़कर नहीं देखा? Who is he? हाँ लकी देखा ही नहीं होगा, अगर देख लेता ना तो ना ही नजर हिलती और ना ही पैर। बस इतनी ओवर एक्टिंग बहुत है। सो गाइस प्लीज कमेंट करके बताना खुशबू कैसी लग रही है, ये छोटी कोमलिका आपको कैसी लग रही है प्लीज कमेंट करके बताना। इतना ढूंढा फिर भी हमें ये वाली ज्वेलरी जो रूपाली मैम ने पहना हुआ है वो तो मिला नहीं। फिर खुशबू के दिमाग में एक आइडिया आया, खुशबू ने क्या किया 2-3 ज्वेलरी को तोड़ा और तोड़ मड़ोर के इसे एक ज्वेलरी बना दी और इतना ब्यूटीफुल बनाया है ना कि जो रूपाली मैम ने पहना हुआ है सेम टू सेम नहीं पर
थोड़ा बहुत तो दिखने वाला बना ही दिया है उसने। सो बिग थैंक यू टू खुशबू। और गाइस उन्होंने पहनी हुई है प्यारी प्यारी झुमकी, बहुत सारी बैंगल्स एंड पहना हुआ है व्हाइट कलर का गजरा। सो गाइस मैं मेकअप डन कर लेती हूँ और आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो गाइस अगर अनुपमा मॉडर्न होती तो ऐसी दिखती, लग रही हूँ ना मॉडर्न अनुपमा। एक बार परछाई साथ छोड़ सकती है पर माँ नहीं हो। कान्हा जी ध्यान रख जे हो। हाँ ठीक है कान्हा जी रखेंगे। ठीक है अच्छा किया। सो गाइस ये ना 500 टेक के बाद इसने बोला, इसको इतनी हंसी आ रही थी ना, इतनी हंसी, इससे हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। तुझे पहले पोज में ऐसे क्रॉस में डांडिया रखना है और कैमरे की तरफ थोड़ा सा लुक देना है, बस इतना ही। गाइज नाउ इट्स माय टर्न फिर से। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं फोटो रिक्रिएट करूंगा अब सौरभ जोशी का, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, मैं उनका फोटो नहीं रिक्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि गाइस उनके जैसे मुझे टी शर्ट मिली ही नहीं। मैंने बहुत ढूंढा पर मुझे मिला ही नहीं, इसलिए मैं फिर से रिक्रिएट कर रहा हूँ फोटो मोहसिन खान सर का। उनके जैसी आउटफिट मुझे मिल गई थी इसलिए सो मैं यहाँ पे पिक्चर लगा देता हूँ जिससे आपको आइडिया आ जाए। 150 कोई भी प्रोडक्ट, 150 कोट ले लो, 150 शर्ट ले लो, 150 जीन्स ले लो, 150 बेल्ट ले लो, 150। सो गाइस मजाक कर रहा हूँ, कोई भी प्रोडक्ट 150 वाला नहीं है, सारे के सारे मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स है जो मेरे पापा ने खरीद कर मुझे दिया है। जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा होगा मोहसिन सर ने पहना है ब्लैक कलर का कोट, व्हाइट कलर का शर्ट और ब्लैक कलर का पैंट, ब्लैक कलर का बेल्ट, जो मेरे पास सारा का सारा है। आपको दिख ही रहा होगा मैंने कार्तिक सर जैसी हेयर स्टाइल दिखाना है, हेयर स्टाइल बना ली है और कपड़े भी पहन लिए, लेकिन गाइस मुझे टाई अच्छी नहीं लग रही है, मुझे कुछ और चाहिए था टाई की शेप और मम्मी ने कुछ और अपना क्रिएशन बना लिया है, लेकिन चलेगा गाइस फटाफट से मैं पायल की मदद से फोटोज खिंचवा लेता हूँ। फोटो के बैकग्राउंड में समुद्र है सो मैं यहाँ पे समुद्र कहाँ से लाऊं, इसलिए मैं अपने टेरेस पे फोटो खिंचवा लेता हूँ पायल की मदद से। और ये बार बार मैं पायल की मदद से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो मुझसे जबरदस्ती बुलवा रही है कि तू मेरा नाम ले, तूने खुशबू का लिया ना इसलिए मेरा भी नाम ले बार बार। सौ बार मोहसिन खान सर जैसी है ना स्माइल देने की कोशिश की पर मेरे से हुआ ही नहीं और पायल से फोटो मेरा खींचा ही नहीं जा रहा था, एकदम वियर्ड वियर्ड एंगल ले रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है और फोटो आ गई है। सो माय फाइनल पिक्चर इज 3-2-1। सो गाइस कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अमन डांसर रियल चैनल और प्रेस दी बेल आइकन फॉर ऑल दी नोटिफिकेशन। कुछ ही सब्सक्राइबर्स बाकी है 300 की होने में, सो जल्द से जल्द सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए। प्लीज कमेंट करके बताना किसका फोटो रिक्रिएशन आपको सबसे बेस्ट लगा और मार्क्स देना 10 में से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।